फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस बीइंग प्लस माइनस 7,0 एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 10। तो इसका मतलब है भाई प्लस माइनस 7 ए की वैल्यू आ जाएगी, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। अब देखो अगर मेजर एक्सिस कहाँ पर है जी, इन्होंने कह रहे हैं हाइपरबोला सेंटर एट ओरिजिन एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है, वर्टिसेस नॉर्मल है तो फिर कॉन्जुगेट एक्सिस 2b के बराबर होते हैं। 2b अगर बराबर 10 के तो b 5 के, ए स्क्वायर 7 इसकी मदद से बी स्क्वायर भी आ जाएगा। 7 का स्क्वायर ऑफ कोर्स 49 होता है, बल्कि ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल ए स्क्वायर 49 है, बी स्क्वायर 25 है, पुट कर दें, नॉर्मल हाइपरबोला है तो ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैविंग इट्स सेंटर एट ओरिजिन एंड ट्रांसफर एक्सिस अलोंग एक्सिस, यानी कॉन्जुगेट हाइपरबोला, यानी एक्स नेगेटिव की बात हो रही है। हाँ जी, तो आगे कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 14, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस अब 2a के बराबर होगी जब हाँ जी ट्रांसफर एक्सिस कहाँ होता है लॉ वाई एक्सिस, तो 2a के बजाय 2b के बजाय 2a के, तो a 7 आ गया। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2c दिया हुआ है 20√2, यहाँ से c की वैल्यू 10√2 आ जाएगी। c स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से b स्क्वायर आ जाएगा 151, पुट कर दो ए स्क्वायर की जगह 49 क्योंकि ए 7 है। फाइनली ये चीज़ हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, चूँकि ट्रांसफर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है इसलिए एक्स के साथ क्या आएगा नेगेटिव।